हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि क्या बनाया जाए कि लोगों को अच्छा लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ड्राइंग शीट को छोड़कर आज हम किसी और चीज़ पर ड्रॉ करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ़ोन के कवर पर ड्रॉ करूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल लग रहा है ब्लैक। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सिंपल से मॉडिफाई किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही इसी कवर पर ड्राइंग करेंगे, जो कि देखना आप आगे वीडियो में कैसी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन, और आगे मुझे कमेंट में बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कवर पर ड्रॉ करने से पहले हमें इस पर एक वाइट कलर का कोट अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा जो हमारे कलर थे काफ़ी ज़्यादा उभर कर आएंगे और आप आसानी से आउटलाइन भी देख सकते हो। और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं इसमें कवर पे एक्रिलिक कलर का यूज़ करूँगा। तो पहले मैं इस पर वाइट कोट अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे कि कैसे करना है। हमारे कवर पे वाइट कोट अप्लाई हो चुका है, और इसे करने में मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है। तो इस पर अब हम चलो कुछ ड्रॉ करते हैं। मैं तो इस पर एक पोकेमोन ड्रॉ करूँगा, जो कि मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रख रखा है। अगर गाइस आपको पता है कौन सा पोकेमोन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब मैं बताता हूँ आपको मैं इसको इस पर कैसे अप्लाई करूँगा। गाइज, आप भी अपनी मनपसंद चीज़ ऐसे ही किसी ड्राइंग शीट पर बनाकर उसे अपने फ़ोन पर कैसे लगा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो अपनी पसंदीदा चीज़ जो भी आपको लगती है वो अपने एक कागज़ पे बना लेना है, और उसके बाद आपको साइज़ देख लेना अपने कवर के हिसाब से कि वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, किसी पेंसिल से पीछे हमें शेड कर लेना है ऐसे पूरे एरिया पे। और इसी के ऊपर हमें थोड़े प्रेशर के साथ इसको बनाना है दोबारा से, जिससे क्या होगा जो आउटलाइन है वो पीछे छप जाएगी। या किसी पेन चीज़ से भी आप बना सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो जब मैंने इस पर आउटलाइन की अपने ड्राइंग पे इस पर ढंग से, तो आपको थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा ढंग से। और देखिए आप कैसे आउटलाइन बन के आ रखी है। अब मैं इस पर दोबारा से एक बार आउटलाइन बना लूँ ताकि मेरे को ढंग से इमेज दिखे, फिर हम इस पर कलर करेंगे जल्दी से। ये हमारे ड्राइंग की बेस लेयर पहले हो चुकी है, और अब इस पर मैं कुछ शेडोज दूंगा, उसके बाद हम आइज ड्रॉ भी करेंगे। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें।
फाइनली गाइज हमारा कवर जो है वो बन के तैयार हो गया, ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको ये। बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ करा है और मुझे काफ़ी मज़ा भी आया करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर कमेंट सब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।